अम्मा अपने आप को संभाल बेटी। अरे मामा कैसे संभालूं, मैं थक गई हूँ। मेरी शाकुंतल को कुछ हो गया तो? देख तेरी शाकुंतल को कुछ नहीं होने वाला। किशमिश उसके सांस रुक गए थे, उसे कुछ हो गया, वो नहीं रही तो? अरे काय को आप शकुन बोल रही है, अंदर डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो? अरे जाओ ना प्लीज दादी, मत जाइए ना। पूछ जाने को मना किया डॉक्टर ने। मेरी शाकुंतल, उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। हाँ मर जाऊंगी, तेरे को मरने देंगे ना? देख पहली बात तो ये, तेरे को जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि उसको कुछ नहीं होने वाला। और कुछ हो भी गया ना, तेरे को अपने आप को संभालना पड़ेगा, समझी? मर जाऊंगी। फिर से वही वही बोल रही है। इधर देख, देख इधर। अरे तू हिम्मत हार रही है? तेरे जैसी लड़की जिसने हंसते हंसते अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। मतलब मैं वही बोल रही थी कि रोहित उसको छोड़ के गया ना? वो सबसे नासाब था किशमिश, लेकिन मेरी बेटी मेरे जीने की अकलौती वजह है। उसे अगर कुछ हो गया तो मैं नहीं रहूंगी। तुझे कुछ हो गया तो इस बुढ़े दादा दादी को कौन देखा, इसके बारे में कभी सोचा है? अमो अमो हौसला, वो ठीक हो जाएगी। हाँ होना पड़ेगा उसको, होना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर जाके ऊपर वाले की बैंड बजा के मैं नीचे आऊंगी। अरे अमो क्या कर रही है? हाँ मैं बोल ही रही हूँ, मुझे सुनती नहीं, मैं क्या करूँ? चुप चुप। अरे काका ये लो, वो सिद्ध रूपी देवी का पाठ है ये। मैं कोई पाठ वाठ नहीं करना हमको। अरे काका, अरे क्या है, क्या फायदा उसके सामने माथा टेकने का? कदम कदम पे मुसीबत, कदम कदम पे मुसीबत, क्या फायदा? ऐसा निराश होके कैसे चलेगा काका? अरे पावली क्या एक एक हद होती है, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक मुसीबत। एक छोटा सा आसरा दिया था अपनी अम्मू को आगे पूरी जिंदगानी बिताने का, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, नहीं हुआ बर्दाश्त उसको। ऐसा नहीं है काका, अगर भगवान को अमृता को दुखी देना था तो वो सातवें महीने में पैदा हुई मुन्नी को ऐसा पैदा होते ही वो ऊपर नहीं किया ना, काय को जिंदा रखा बोलो? अभी उसका लंग्स मजबूत नहीं है, ठीक से काम नहीं करता, ये तो डॉक्टर ने पहले ही बोला है। पावली पैदा होते ही शाकुंतल को ऊपर वाला उठा लेता। नहीं ऐसे नहीं बोलते। अरे ऐसे क्या आशा देके निराशा देने का क्या खेल है ये? मैं तो अगर उसको कुछ हो गया ना, शाकुंतल को कुछ भी हुआ तो मैं सब बर्बाद कर डालूंगा। दो जी भर के धमकी दो भगवान को, वो सुनता है। और इंसान सच्चे दिल से उसको ऐसा हुलपट्टी देगा ना तो वो डर के मारे सब कुछ ठीक कर देगा। सच्ची इसको सुनना होगा, इतनी ज्यादती नहीं कर सकते अपनी बच्ची के साथ, इतनी ज्यादती नहीं कर सकता अम्मू के साथ। डॉक्टर साहब आप जाकर उनसे बात करेंगे कि मैं ही बता दूं? गिव मी अ मोमेंट सिस्टर, प्लीज जस्ट अ मोमेंट, मैं ही जाके उनके साथ बात करता हूं। गुड नाइट। ना ना बेटे, अरे रोहित तुम श्वेता को छोड़कर इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा कि तुम रात भर नहीं आओगे। अभी अभी एंगेजमेंट हुई है, मैरिड लाइफ का लर्निंग लाइसेंस मिल गया है, तो मुझे तो लगा है कि बिना कोई टेंशन तुम रात भर घूमने निकल पड़ोगे, पब हॉपिंग एंड ऑल। वो श्वेता अपने पापा के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, वो कल सुबह दिल्ली जा रहे हैं इसलिए। अच्छा तो श्वेता अपने पापा के साथ बात करना चाहती है, उसमें तुम्हारे मुंह पर क्यों 12 बजे है उल्लू? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भाभी मुझे डर लग रहा है,
डर? किस बात का? पता नहीं, लेकिन कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। कैसी फीलिंग? आई डोंट नो, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बच्ची का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखो। मौत को टक्कर देकर वापस आ गई हो। She is totally out of danger now. सुना बेटा, सुना। Thank you भगवान, thank you very much. सुना बेटा, बस एक और हफ्ते के लिए इंक्यूबेटर की जरूरत पड़ेगी बच्ची को। But don't worry, if my experience means anything, she is going to live for a very very long time. 75 वर्ष तो पक्का। अरे तू आ गई, चल अपन जाता है। ए, बैठ बैठ। अरे बैठ ना, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे मो क्या है ना माई, अपन को बाहर जाने का है। वो अनमोल और उसकी छावी है ना गुजराती, उसके साथ अपन चलता है। शाम को ना, अभी से क्या है, बैठ तुझसे बात करनी है मुझे। माई कल कर लेना ना बात। नहीं अभी करूंगी, नाश्ता करेगी क्या, ढेर सारा लाई। हाँ, काय को कटने वाले बकरे के माफी तो अपन को खिला पिला रे लिए। पूछ, क्या पूछने तेरे को? तू कल अमू को समझा रही थी, तब तूने कहा क्या? क्या कहा अपुन ने? तूने कहा अमू ने हंसते हंसते अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। अच्छा, अपुन ऐसा बोली क्या? हाँ ऐसा बोली, और मैं जानना चाहती हूँ इसका क्या मतलब है। देख मैं, अमृता ने श्वेता के साथ झगड़ा नहीं किया। अगर वो झगड़ा करती तो रोहित उसके हाथ से जाता नहीं ना, बस हुई ना कुर्बानी। हंसते हंसते कुर्बानी देने का मतलब ये नहीं निकलता, तू मुझे सच बता क्या बात है। अरे माई इसका यही मतलब है, दूसरा क्या हो सकता है। तो उस वक्त मैंने चौंक कर तेरी तरफ देखा तो तूने बात ही टाल दी। देखा माई देख, तू डिटेक्टिव के माफी सवाल पूछकर अपन को डरा मत। हां तो सच बता ना, कुछ तो हुआ है ना जो अमू ने तुझसे बताया है और हम सबसे छुपाया है, तो बता ना क्या बात है। भर गई तू किशमिश माई, तेरा ना रिकॉर्ड अटक गया है। तो बोल ना माई। देख माई, अपुन ने ना अमृता के सामने कसम खाया है कि ये बात अपुन किसी को बताएगा नहीं। अच्छा तो मेरा शक सही था, अमू ने जानबूझकर रोहित को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है ना? आज भी उसे बहुत चाहती है ना? माई तू बोलती है तो अपुन अनमोल का कसम अभी इधर ही तोड़ेगा, बोल बोलू? नहीं, तेरी खामोशी ने सब कुछ बता दिया है मुझे। लेकिन देख माई, ये बात तू जाके अमृता से मत करना, वरना वो तो यही समझेगी ना कि अपुन ने हरामगिरी की है। नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मेरी बच्ची ने किसी की खुशी की खातिर अपनी तमाम खुशियां कुर्बान कर दी है, ये जानकर मेरे दिल में उसके लिए तो और भी इज्जत बढ़ गई है। हाँ लेकिन उसे ये जरूर कहूंगी कि उस पर मुझे बहुत बहुत नाज है। रोहित, अरे कहाँ रह गई थी तुम? पापा को दिल्ली छोड़ने गई थी क्या? ये सब क्या है? ये सब प्रूफ है, प्रूफ। किस बात का प्रूफ? तुमने मुझसे पूछा था ना कि पापा अब हमारे रिश्ते से खुश है या नहीं, तो यही सवाल मैंने पापा से पूछा फॉर द थर्ड टाइम यू नो, और उन्होंने प्रूफ के तौर पर ये सब कुछ भेजा है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, all this is just for you. Is he crazy? No, he's impulsive. जब जो जी में आता है वही करते हैं, मुझसे बिल्कुल उल्टे हैं वो। पता है एक बार एक प्लेन में उनका एक हॉस्टेस पर इतना दिल आ गया कि उसी वक्त घुटनों पर झुककर उसे प्रपोज कर दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल तुम्हारी अमृता की तरह। मेरा मतलब है बिल्कुल अमृता की तरह, वो भी ऐसी ही थी ना। श्वेता, आज तुम्हारी बात करें? नॉट अ बैड आइडिया। ऐसा करो तुम आज मेरे बारे में कुछ अच्छा कहो, मेरी तारीफ करो। तारीफ तो थोड़ा मुश्किल होगा। हिट ट्राई करता हूँ।
श्वेता तुम मन की बहुत साफ हो और सब्र करने की बहुत ज्यादा ताकत है तुम्हें, अमृता की तरह। कोई बात नहीं रोहित, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें कुछ तो मुझ में ऐसा नजर आया जो अमृता में नहीं है। श्वेता मैं अमृता को बुलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं कैसे वो हम दोनों के बीच में आ जाती है। नहीं रोहित, वो हमारे बीच में नहीं आती, वो हमारे पास आ जाती है, हमारे साथ आ जाती है, और उसे आने दो। वो तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रही है, उसे भुला पाना इतना आसान नहीं है। एंड यू नो आई रियली डोंट माइंड इट ऑल्सो, मेरे लिए तो यही बहुत है कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। वो तुम्हारा ऑपरेशन एक्सीडेंट हुआ ना? मुझे तो पहले से वो आइडिया पागल जैसा लगता था, लेकिन इंस्पेक्टर सक्सेना मानने को ही तैयार नहीं थे। एनीवे आजमा लिया, फ्लॉप भी हो गया, इसलिए अब ऑपरेशन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन? यस, नया नाटक। नाटक नहीं था दीमा, सचमुच ये बड़ा इंटेलिजेंट आइडिया है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि मिस्टर मुंशी इस कैंप को सक्सेसफुल करने में हमारी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग मुंशी साहब से उनके खून की पूरी बोतल निकलवाते हैं? अरे चीफ मिनिस्टर आ रहा है, मुंशी तो उछल पड़ा ये बात सुनकर। यू सी हॉस्पिटल को थोड़ी पॉजिटिव पब्लिसिटी भी मिल जाएगी ना। और उन्होंने अपना खून डोनेट करने से इनकार किया तो? वो करने वाले हैं दादी माँ, प्रेस वाले होंगे, टीवी वाले होंगे, और हम लोग भी तो होंगे उसे चने के पेड़ पे चढ़ाने के लिए। वो तो क्या उसका बाप भी ब्लड डोनेट करेगा। स्वाति, हो सके तो, पता नहीं ये कैसे मुमकिन होगा, लेकिन हो सके तो रोहित को भी ब्लड डोनेट करने के लिए कहना। दादी माँ, आपको अब भी रोहित पर शक है? वो परसों डॉक्टर वाड़िया ने कहा कि बच्चे ने अमू की बेटी बहुत लकी है, तो लकी मतलब? लकी मतलब उसके दाहिने हाथ पर बड़ा सा ब्यूटी स्पॉट है, यानी एक बड़ा सा तिल है बिल्कुल बीच में। और स्वाति, ऐसा ही ब्यूटी स्पॉट रोहित के दाहिने हाथ पर बिल्कुल सेंटर में है। मुंशी साहब और डॉक्टर अली तुझसे मिलने आए हैं। हाँ तो आने दो ना। याद है ना साथी ने जो कुछ भी बताया है वो? हाँ वो ब्लड डोनेशन हाँ, कैंप के बारे में ना। हाँ डोंट वरी, याद है। हाँ ले आइए। हेलो हेलो, फाइन थैंक यू। और ये छोटा सा कप, बैठिए ना। थैंक यू सो मच। और ये फूल आप दोनों को मेरी तरफ से, अ टोकन टू कोमेमोरेट आवर फ्रेंडशिप। थैंक यू सो मच। एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले तक मुझे आप लोगों के खिलाफ कुछ शिकायतें थीं, लेकिन अब जब से मेरी बेटी पैदा हुई है ना, मुझे बिलीव के उसका बाप कौन है ये जानने की जरूरत मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। वी आर वेरी हैप्पी अमृता, तुम सब कुछ बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रही हो, इजंट इट सर? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। डॉक्टर अली, मैं तो हमेशा ये कहता रहा, मुझे यकीन था कि ये लड़की कभी हिम्मत नहीं आ रही बेटे। इनफैक्ट हम जानते हैं कि अब इस वक्त भी तुम किन मुश्किलों से गुजर रही हो। रोहित भी चला गया और मुझे साहब, देखिए मुझे पूरा यकीन है कि भगवान का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो बहुत क्रूएल है। वो क्या करता है, एक एक करके इंसान के सामने मुसीबतों का ढेर खड़ा कर देता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंसान उन मुसीबतों का सामना कर सकता है या नहीं। लेकिन मेरे मामले में भगवान थोड़ा सा मार खा गया। उसने जितनी भी मुसीबतें मेरे सामने खड़ी की, उतना ही उन्हें फेस करना मेरे लिए और आसान होता गया। बॉय एम आई अ प्रो नाउ। बस अमृता, इसी तरह अपनी जिंदगी की जंग लड़ते रहना। और जंग नहीं डॉक्टर अली, पार्टी, जिंदगी की पार्टी एंजॉय कर रही हूँ मैं। नो वरिंग, नो कंप्लेंट्स, वन बिग पार्टी। इनफैक्ट मैंने इंस्पेक्टर सक्सेना से भी कह दिया है टू ड्रॉप द केस।
मेरा गुनहगार कौन है मैं नहीं जानना चाहती। ग्रेट डॉक्टर अली, मुझे तो ऐसा लगता है कि अमृता जैसी लड़की से हमारे अस्पताल में काउंसलिंग करवाना चाहिए। पेशेंट्स का मोरल बूस्ट करने की उसकी ताकत जबरदस्त है। रियली अमृता, हैट्स ऑफ टू यू। नो, ऑन द कंट्रारी, हैट्स ऑफ टू यू बोथ। आपने जिस पेशेंट्स से सारी परिस्थितियों का सामना किया है, वो इंक्वायरीज, वो बदनामी, वो दहशत, और फिर भी आप डटे रहे हॉस्पिटल का नाम बचाने के लिए। रियली हैट्स ऑफ टू यू गाइस। मैंने सुना है हॉस्पिटल में एक ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है। हाँ, अगले हफ्ते। हमारा ये टारगेट है अमृता के 3 दिन में कुल 10,000 बॉटल्स डोनेट होंगे। वी विल सी दैट इट बिकम्स अ ग्रेट सक्सेस। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, मेरी और मेरी बेटी की भी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये कैंप बहुत कामयाब होगा। थैंक यू, थैंक यू अमृता, थैंक यू सर। कौन है? मैं हूँ। ओह मिस्टर शास्त्री, आइए ना। आई एम सॉरी, मैं जरा। क्यों डर गई? पता नहीं लोग अक्सर मुझसे डरते क्यों हैं। क्या मेरा चेहरा इतना डरावना है? नहीं नहीं, वो इसलिए कि आप मतलब आप ऑलमोस्ट प्रकट हो जाते हैं ना, इसलिए मैं। एनीवे, आप कैसे हैं? आप तुम कैसी हो बेटी? मेरा चेहरा देखकर खुद ही जान लीजिए। निश्चिंत? यू सेड इट। मैं वाकई में निश्चिंत हो गई हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। इसे मेरी भगवान के साथ की हुई जिद ही मान लीजिए। अच्छा है, तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे जो थोड़ी बहुत फेस रीडिंग आती है, उससे मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आप किसी चिंता में हैं। फैंटास्टिक। हाँ अमृता, मैं वाकई चिंता में हूँ। जाहिर है, आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं तो इसका मतलब यही है कि मेरी ही किसी बात से आप परेशान हैं। बिल्कुल सही पहचाना तुमने अमृता। पिछले 3 दिनों से मुझे एक अजीब सा सपना आ रहा है, जिसमें तुम्हारा अपराधी हम सबको धोखा देकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश चला जाता है। क्या? लेकिन आपको कैसे पता कि वही अपराधी है? वो खुद मुझे चुनौती देता है। वो खुद मुझसे कहता है कि उसी ने तुम्हारे साथ वो घिनौनी हरकत की है। तो वो कौन कौन है वो? उसका नाम मैंने इस चिट्ठी में लिखा है। लेकिन अमृता, हमें जल्दी से जल्दी उस आदमी तक पहुंचना है जो तुम्हारे सपनों में आता है और जिसका चेहरा तुम्हें साफ नहीं दिखाई देता, इससे पहले कि वो हम सबको धोखा देकर विदेश चला जाए। हमें उसे बेनकाब करके गिरफ्तार करवाना है। Gone. Oh, gone. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.